दोस्तों, वीवो अपना नया फ़ोन वीवो T3X जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, और ये लॉन्च जो आपको 17 अप्रैल को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम इसी फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन होने वाली है और ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा तो कितने प्राइस रेंज पे लॉन्च होने वाला है। तो मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल बार में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं वीवो T3X के बारे में। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इस फोन के लुक को लेकर। तो पीछे से आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जहाँ पर रिंग साइड में आपको कैमरा सेटअप होने वाला है, डुअल कैमरा का सेटअप होने वाला है। एक LED फ्लैश देखने को मिलेगी, नीचे की तरफ आपको वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और इसकी बैक जो आपको प्लास्टिक की देखने को मिलने वाली है, और इसकी फ्रेम जो है वो भी प्लास्टिक की होने वाली है। डिस्प्ले आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ होने वाली है। वहीं पर इसके अंदर आपको 5mm का जैक देखने को मिलेगा, USB टाइप सी होने वाली है, और सिंगल स्पीकर्स देखने को मिलने वाले हैं। राइट साइड पे आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन देखने को मिल जाएगी, पावर बटन के ऊपर ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है। वहीं पर फेस अनलॉक का भी फीचर होने वाला है। इसके OS और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो आपको एंड्रॉइड 14 पर देखने को मिलेगा और OS 14 पर रन करने वाला है। और वहीं पर इसके रैम और रोम के बारे में बात करें तो आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 के स्टोरेज टाइप के साथ आने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें, जो कि आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि 120Hz के रिफ्रेशिंग रेट के साथ आने वाली है। और इसकी डिस्प्ले आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ आने वाली है। इस फोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर होने वाला है। और इस प्राइस रेंज पे ये प्रोसेसर जो है बहुत ही अच्छा निकल गया था, जिसका अंतुतु स्कोर जो है आपको 5 लाख प्लस देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आप गेमिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। फोन के कैमरास के बारे में बात करें तो मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जहां पर पहला कैमरा जो आपको 50 MP का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है और 2 MP का माइक्रो कैमरा होने वाला है। इस फोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड देखने को नहीं मिलता है, जिससे आप 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो चलिए अब फोन के बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 44W के फास्ट चार्जर के साथ आती है, और चार्जर जो आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो ये थी इस फोन की सारी स्पेसिफिकेशन, और ये फोन जो आपको 17 अप्रैल को लॉन्च देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब फोन के प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर यह फोन जो आपको मल्टीपल वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें 6GB और 8GB वाला रैम होने वाली है और 128 और 256 स्टोरेज टाइप होने वाला है। इस फोन के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ये फोन जो है आपको अंडर 15,000 देखने को मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये फोन आपको कैसा लगा, और टेक्निकल बार को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।